है गुरुकुल साइंस एकेडमी का ये कोचिंग सेंटर, यहाँ चलते हैं, आपको लिए चलते हैं यहाँ के बच्चों की, आखिर किस तरह की पढ़ाई होती है, आखिर क्या वो राज है कि हर बार बिहार के बोर्ड में, बिहार के शिक्षा स्तर में अपना परचम लहराते हैं। गुरुकुल साइंस कोचिंग के सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और हर बार की बात यही के बच्चे, और इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं और यही के बच्चे हर बार टॉप करते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, अपने शिक्षक का नाम रोशन करते हैं। ये उन बच्चों से बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से मेहनत करी और यहाँ पर टॉप किए हैं। और हर बार बेटियां बाजी मारती है, आइए आज बिहार की उस बेटी से मिलते हैं जिन्होंने इस बार बाजी मारी है। आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम सिमरन गुप्ता है और मैं बासोपट्टी से हूँ और मैंने अपना 12th यहीं से किया। यहीं से आपने 12th यहीं से किया है। अभी आपका क्या रैंक आया है, कितने नंबर मार्क्स आए हुए हैं? मेरा 439 हुआ है। आगे का क्या प्लानिंग है? नहीं वैसे ये ग्रेजुएशन अभी नहीं करना, एक ड्रॉप लेके मेंस, जेई मेंस का एग्जाम देना। जेई मेंस का एग्जाम देंगे, देख सकते हैं इनका। आप और सब हैं, अभी लड़कियां हैं और देख सकते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ने ज्यादा बाजी मारी है। तो देख सकते हैं लोग कहते हैं, तो मैं जितने भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं मैं उन लोगों को बताऊंगा कि बेटियां अब बेटे से कम नहीं है, छोरी छोरों से कम ना हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लड़कियां जो है और आ रही है और ये देख रहे हैं ये बेटे हैं। स्वागत है आपका। मेरा नाम सोनी कुमारिया, 12th आप यहीं से किए हैं। आपको यहाँ जब आई तो आप क्या सोच के आई, इसी इंस्टीट्यूट में क्या सोच के आई, आपको क्या लगा कि मुझे यहीं पढ़ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है बासोपट्टी में, आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ का पढ़ाई अच्छा है, यहाँ का पढ़ाई अच्छा है इसलिए आपको पता चला कि आना। आगे क्या करना है, मतलब साइंस लेके ही पढ़ना है या फिर किसी दूसरे फील्ड में जाना है? साइंस में आप क्या लेके पढ़ रही थी? मैथ लेके पढ़ रही थी। आगे इंजीनियर बनना है? जेई मेंस का एग्जाम देंगे। देख सकते हैं ये बालिकाएं हैं, इनका सबका जो उमंग है कि जेई मेंस का एग्जाम देना है, कोई मेडिकल में जाना चाहते हैं। आइए इनका मार्क्स जानते हैं कि कितने मार्क्स अर्जित करी हैं। कितना मार्क्स आपको आया है? 431। देख सकते हैं 431। आपका नाम सर परिचय बताइए। मेरा अभिषेक कुमार नाम हुआ, मैं विराटपुर का रहने वाला हूँ और मैंने 11th एंड 12th गुरुकुल साइंस एकेडमी से किया है और मेरा जो मार्क्स है इंटर में और वो है 424 है, मतलब 424 है। आपने बिहार के बोर्ड डॉक्टर बनना है, लोगों का इलाज करना है। yes. लेकिन बताते हैं बच्चों से हम बात करते हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों आए हुए हैं। आप बता पाएंगे कि बासोपट्टी में जो है बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, आपने इसी कोचिंग सेंटर को क्यों चुना, यहाँ आने का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अर्पित शर्मा हुआ और मैं कोरोना से। कोरोना से अर्पित जी, कोरोना में आपका गांव नजदीक पड़ता है, वहां से आपके प्रखंड में, आपके बिसौल में भी कोचिंग सेंटर है, फिर आपने बासोपट्टी का इसी गुरुकुल कोचिंग सेंटर को क्यों चुना? यहाँ का मुझे फीडबैक यहाँ का बहुत अच्छा लगा, इसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ का फीडबैक आपको अच्छा लगा? जी। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि दोस्त के चक्कर में दोस्त चला जाता है, तो ऐसा थोड़ी है, कोई बात नहीं। यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है और टीचर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, टीचर भी बहुत अच्छे, एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। मतलब आप वहाँ से आते हैं तो टाइम पे आते हैं, लेकिन यहाँ से जाने का कोई फिक्स नहीं रहता है कि एक घंटे में चले जाना है? नहीं सर, फिक्स नहीं रहता है और टीचर लोग से हेल्प लेते हैं। किस किस विभाग के यहाँ टीचर आपको मिलते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप बायो लेके पढ़ रहे हैं जी सर। देखिए आप यहाँ पे कुछ बालिकाओं से भी पूछते हैं, आप बता पाएंगे? मेरा नाम अमृता प्रीतम ठाकुर है, मैं कलना से हैं। आपने इसी कोचिंग सेंटर को क्यों चुना कि आपकी सहेलियां कलना से बहुत सारी आती है इसीलिए आप आ जाती साइकिल चला के, या फिर आपको लगा कि यहीं पढ़ना है? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है, या क्या पता चला आपको इसके बारे में? नहीं, जब मैं 10th में थी तो यहाँ का एडवर्टाइजमेंट आया था, तो उससे मुझे लगा कि मुझे ना यहाँ पे डेमो क्लास करना चाहिए। तो डेमो क्लास करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया जाता है, एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाता है सब कुछ, एनिमेशन के थ्रू भी दिखाया जाता है, यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू भी दिखाया जाता है बहुत कुछ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहीं पे पढ़ना चाहिए और यहाँ पे बोर्ड के साथ साथ नीट और जेई का दोनों का तैयारी किया हुआ है, कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कराई जाती है। तो आपने ये सोचा कि एक ही बैनर तले में हमारे सारे फैसिलिटी हमको मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और है, ये तो बालिका बताई, देख सकते हैं बालक की अपेक्षा बालिका कितनी तेज है। ये बता रही है कि यहाँ पे एक ही छत के नीचे हर चीज मिल जा रहा है, जेई मेंस की तैयारी, कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है और सारे चीज अवेलेबल है। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये इतने ज्यादा पढ़े हैं कि चश्मा लग गया है इनको पढ़ पढ़ के, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ। आपका स्वागत है सर, क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार पांडे। पांडे जी आप बता पाएंगे कि आप यहाँ इसी इंस्टीट्यूट को क्यों चुना?
वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है, जैसे प्रैक्टिकल्स और टीचर्स एक्स्ट्रा टाइमिंग देते हैं और बहुत कुछ। प्रैक्टिकल्स भी दिया जाता है यहाँ पे, प्रैक्टिकल की भी व्यवस्था है। आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? ज्ञान ज्योति स्कूल से मैंने 10th कराया और अभी मैं आई एस प्लस टू से दे रहा हूँ। इस वक्त सच्चिदानंद विश्वविद्यालय से प्लस 12 दे रहे हैं, तो वहाँ स्कूल रेगुलर जाते हैं कि नहीं जाते? ज्यादातर टीचरों का मानना होता है कि बच्चे ट्यूशन में आ जाते हैं, तो आपके ट्यूशन में आपको यहाँ ज्यादा देर रुका जाता है या स्कूल टाइम पे छोड़ दिया जाता है? स्कूल टाइम पे छोड़ दिया जाता है। देखिए, ये कोचिंग सेंटर है जहाँ पे लैब की भी व्यवस्था है, लैब कराया जाता है। आइए हम उस लैब में चलते हैं कि वाकई में लैब की व्यवस्था है कि नहीं है, जाँच करते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि जो साइंस का जो कोचिंग सेंटर है जिला में कराया जाता है, दरभंगा में कराया जाता है, पटना में कराया जाता है, लेकिन यहाँ की जो बच्चों ने बताया है क्या वो व्यवस्था वहाँ से मैच खाती है? आइए देखते हैं उस लैब को। लैब देख सकते हैं, ऑफिशियल लैब है, यहाँ पे देखिए लैब की व्यवस्था है साइंस का। ये लैब देखते हैं, यहाँ साज सज्जा लगी हुई है बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह के ड्राइंग बने हुए हैं, और उन बच्चों को जब थ्योरी पढ़ाया जाता है उसके बाद प्रैक्टिकल लैब में लाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये कंकाल है, इसकी भी व्यवस्था है ताकि उनको बताया जा सके कि शरीर के पार्ट जो है किस तरह से है। यहाँ पे आमाशय का बना हुआ है, यहाँ पे कुछ फिजिक्स के भी लैब है कि किस तरह से उनको बताया जाता है। देख सकते हैं ये छोटा सा लैब है, और ये दरभंगा पटना मधुबनी की फैसिलिटी यहाँ के बच्चों को दे रहे हैं। हर डिपार्टमेंट का यहाँ बताया गया है, यहाँ के शिक्षक है तरह बता पाएंगे कि बच्चों को किस तरह से आप यहाँ तैयारी करवा सकते हैं। सर, बच्चों को जब हम लोग थ्योरी क्लास में करवा देते हैं, उसके बाद अगर बच्चों को साइंस में स्ट्रक्चर को नहीं दिखाया जाए या प्रैक्टिकल को नहीं करवाया जाए, तो उनको पूरी तरह से समझ में नहीं आती, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। उसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था किए हैं ताकि बच्चे को ये बता सके कि आफ्टर पढ़ने के बाद कि आप जान सके किस तरह देखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे ये काम कैसे करता है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ व्यवस्था हर चीज की, माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, ग्लोब दिया हुआ है, और सबसे बड़ी चीज की यहाँ पे देखिए हैंड्स वगैरह रखे हुए हैं सारे, देख सकते हैं आप लैब में। ये देख सकते हैं ये जो है इस प्रकार से पूरा एकदम हर तरह से बताया जाता है कि जो दांत होते हैं और दांत में कितने दांत होते हैं, ज्यादातर बताया जाता है मेडिकल साइंस में कि 32 दांत होते हैं। तो यहाँ से आप मुंह को पूरा खोल भी सकते हैं जैसे हम लोग अपने मुंह को खोलते हैं, और फिर यहाँ से दांत भी काउंटिंग कर सकते हैं। इधर पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पे, यहाँ से बच्चों से बातचीत की। आप लगते हैं इनका ऑफिस जो चलते हैं यहाँ के सर बैठे हुए हैं, आज इसको जानकारी बच्चे मानते हैं कि जो फिजिक्स होता है काफी टफ होता है, वो समझना नहीं चाहते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन नेचुरली करने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे को जो आसपास में जो चीजें एग्जांपल के तौर पे हम उनको लेते हैं, उनको समझाते हैं कि देखिए ये चीज रिलेट कर रहा है, तो वो भी हम बोल के उसको समझाते हैं, मतलब हर भाषा में। बिल्कुल, अगर जो भी लैंग्वेज में उसको पसंद है, क्योंकि सर मैथ्स में लैंग्वेज नो मैटर करता है, हम एग्जाम में लैंग्वेज नहीं लिखते, लिखना तो वही चीज है जो हम सॉल्व करते वो तो मैटर नहीं करता। अब उसको जिस लैंग्वेज में उसको समझना उसमें समझाते हैं, उसके अपने लैंग्वेज में उसका नोट्स रेडी होता है, जिससे वो आज अगर पढ़ा हुआ है अगर 10 दिन के बाद भी वो कॉपी निकाल के देखे तो वो समझ सकता है। अगर वहीं पे अगर हम अपना लैंग्वेज दें तो होता है कंफ्यूजन, अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं उसको हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है उसको हिंदी नहीं आती, और वही चीज़ हिंदी वाले को अच्छे से आता है उसको इंग्लिश नहीं आती, तो उसको हम ऐसा ही बताते हैं कि आपके जिस लैंग्वेज में हिंदी है उर्दू है जो भी लैंग्वेज आपको पसंद आता है वो अपने लैंग्वेज से लिखिए, उससे वो समझ में आ जाए कि जब भी वो कॉपी निकाले तो उसको समझ में। देखिए ये हमारे साथ आपको पूरी तरह समझा देते हैं, हम लोगों ने जैसा कि आपने लैब में देखा होगा बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोग रखे हुए हैं, और बच्चे को उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि बायो जो है अपने बॉडी के इनसाइड सब चल रहा है, बस उसको बाहर से हम देख नहीं पाते हैं, बाहर से देखना है तो उसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के रूप में दिखा देते हैं, बच्चे समझ जाते हैं, तो बच्चे को ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। वो कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास व्यवस्था है कि वो संक्षिप्त रूप से ज्यादा समझ पाए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा समझ पाए इसकी हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं। चलिए, ये हमारे साथ बायो के सर जुड़े हुए थे, अब हम जुड़ेंगे कि जो यहाँ के जो मेन सर हैं जिनके अंदर में सभी, आइए सर से जुड़ते हैं जो यहाँ के संस्थापक हैं, और जानेंगे इनसे कुछ खास बातें कि आखिर बच्चा यहाँ कैसे खींचा चला आता है, कि वो कौन सी गुरु मंत्र रखे हुए हैं। सर आपका स्वागत है। सर आपका परिचय बता पाएंगे? मेरा नाम प्रेमचंद यादव है और ये गुरुकुल साइंस अकेडमी हम अकेले नहीं चलाते हैं, ये टीम मेंबर है सारे लोग, तो सारे टीम मेंबर की वजह से चलता है। यादव सर, आपकी पूरी टीम पूरी इसको चलाती है और आपकी टीम की पूरी सराहना भी होती है। सर, हर कोई अपने अपने नाम से, जैसे कि
कोचिंग सेंटर का नाम डालते हैं। आपने गुरुकुल ही क्यों डाला सर? अब बहुत पुराना नाम है और गुरुकुल के नाम से आपने क्या सोचा, आपके मन में क्या आया था, विचार आया कि गुरुकुल रखना चाहिए? सर जब हम अपना पढ़ाई बासुपति से मेरा कंप्लीट हुआ है, टेंथ यहीं से किए, ट्वेल्थ मेरा यहीं से हुआ है, तो हाई स्कूल में हम पढ़ने जाते थे ना, तो 2007 और 9 की बात थी, उसमें हम लोग नीचे में बैठ कर पढ़े, टोटल वृक्ष के नीचे पलथी मार के, चाहे मिट्टी लगे चाहे कुछ लगे, उससे कोई वो नहीं है। तो हम जितने सारे हमारे दोस्त हैं सब हैं, सब लोग नीचे में बैठ के पढ़े, उसी टाइम में दिमाग आया जब हम अगर कुछ करेंगे समाज के लिए या अपने देश के लिए, तो हम ऐसा करेंगे ताकि बच्चे को गुरुकुल का भी दिमाग हमेशा बैठे रहेगी, गुरुकुल ऐसे ही सब दिन चलता रहता था, और उसी हिसाब से हम ऐसा व्यवस्था देंगे कि भविष्य में जाके बच्चे को अच्छे से अच्छे क्वालिटी के साथ साथ रहने का और परिवेश यहाँ का जो है पढ़ाई का पूरा माहौल मिले। सर आपने ये सोचा कि पुराने जमाने में जैसे बच्चे पढ़ते थे वो परिवेश उनको मिले, और उस तरह का जो शिक्षक जो व्यवहार करते थे वो भी बच्चों के साथ मिले, इस तरह से आपने गुरुकुल नाम रखा, पूरा अपना जो पुराने विचारधाराओं को आपने एक संजो के रखा। सर हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चे हैं जो हैं आपके एकेडमी की ओर खींचे चले आते हैं, आखिर सर ऐसा कौन सा मंत्र है कि बच्चे आपकी ओर आते हैं, आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो आप बच्चों के ऊपर निशान छिड़क देते हैं? सर एक्चुअली हमारे यहाँ का जो पढ़ाई का टेक्नोलॉजी है ना सर, हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, ये तो क्लास में देखे होंगे डिस्प्ले सब में लगा हुआ है, तो अगर किसी चीज में कंफ्यूज हो तो हम लोग डिस्प्ले पे सारा दिखा के उसको पढ़ाते हैं पहला, ताकि उसको क्लियर पूरा हो जाए। दूसरा ये है कि अगर हिंदी इंग्लिश का जो कठिनाई बहुत सारा आते हैं, जैसे यहाँ से पटना में बच्चा जाएगा उसको भी कठिनाई होगी, एक महीना नहीं 6 महीना तक परेशानी होती है कि हिंदी से इंग्लिश में अगर डायरेक्ट आप चले जाएँ तो वहाँ पे पहले तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया और उसको समझने में दिक्कत हो जाता है कि अगर वेलोसिटी है तो फिर हिंदी क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, समस्या वहाँ हो जाता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में कुछ 2 महीने तक कंटिन्यू पढ़ाते हैं, और दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने से क्या होता है, उनको फील होता है कि नहीं अब ये हिंदी है और ये इंग्लिश है ना, ताकि उसको ये पता चले।